नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं दीपेंद्र सिंह जयपुर वॉइस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बड़ी खबर है। भंवर सिंह पलाड़ा, जो कि एक बहुत बड़े नेता हैं अजमेर के, अजमेर ज़िले के कई जगहों पर उनका प्रभाव है। फिलहाल उनकी पत्नी जो है सुशीला कंवर, वो वहाँ की जिला प्रमुख है। और जिला प्रमुख भी वो किस तरीके से बनी है, और आज की जो खबर है वो ये है कि खुद भंवर सिंह पलाड़ा एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा वो काफ़ी समय से कर रहे थे। और अगर वो नई पार्टी बनाते हैं तो राजपूत वोट बैंक, जो कि भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, क्या उसमें कहीं सेंध लगा पाएंगे? बीजेपी के लिए क्या मुश्किल खड़ी होगी? क्योंकि बीजेपी के वो बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, फिलहाल वो बीजेपी में नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि जब उनकी पत्नी जीत कर आई तो उन्हें जिला प्रमुख का प्रत्याशी नहीं बनाया गया था। उसके बाद में उन्होंने निर्दलीय उनको जिला प्रमुख के तौर पर वहाँ से जिस तरीके से जिताकर वो लेकर आए, और उसके बाद से उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित किया गया था। जिसके बाद से ही भंवर सिंह पलाड़ा लगातार वो खुद ये बात कह रहे हैं, और जहाँ तक जो खबरें हैं कि वो खुद बीजेपी में जाना चाहते थे, लेकिन उनकी अभी तक बीजेपी में वापसी हुई नहीं है। बहुत बार उन्होंने कह दिया था कि वो नई पार्टी का ऐलान करेंगे, लेकिन आज जो बड़ी खबर है वो खुद उन्होंने अपने फेसबुक पर पोस्ट करी है। ये आप न्यूज़ देख सकते हैं। उन्होंने अपनी नई पार्टी का आवेदन चुनाव आयुक्त के सामने दे दिया है, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर। उन्होंने कहा है कि वहाँ की जनता से राय शुमारी करी जा रही है, और अगर जनता चाहेगी तो नई पार्टी बनाने में कोई एतराज़ नहीं है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। और अगर भंवर सिंह पलाड़ा नई पार्टी बनाते हैं तो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, राजपूत वोट बैंक है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और आप जानते हैं भंवर सिंह पलाड़ा कहीं ना कहीं उनकी पत्नी जो है वो विधायक भी रह चुके हैं, और भंवर सिंह पलाड़ा एक व्यवसायी भी हैं। और जिस तरीके से उनका प्रभाव है अजमेर में, कई जगह पर उनका प्रभाव है, और बताया जा रहा है जो ये न्यूज़ है जिस तरीके की आज कटिंग उन्होंने शेयर करी है, उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार वो खड़े कर सकते हैं अपनी पार्टी अगर वो बनाते हैं तो एक बहुत बड़ी खबर है। अगर बीजेपी उन्हें वापस शामिल नहीं करती है, अगर बीजेपी में वापसी नहीं होती है, तो शायद बीजेपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, और ये शायद वो नहीं चाहेंगे। तो क्या अब उनकी वापसी होगी या नई पार्टी वो जो बनाने के लिए उन्होंने आवेदन दिया है, जो खबर आई है, अगर वो नई पार्टी बना लेते हैं तो क्या इसका प्रभाव कितना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं, और बताया जा रहा है कि कई जगह पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है, और अगर 50 जगह से वो उम्मीदवार खड़े करते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किलें भी खड़ी होंगी। और क्या उनका अलायंस बीजेपी से होगा, कांग्रेस से होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिला प्रमुख चुनाव में जिस तरीके से उन्हें जो अभी फिलहाल सत्ता में पार्टी है उसका सपोर्ट मिला था, और उनकी पत्नी आराम से जिला प्रमुख बन गई थी, जिसके बाद से ही वो जो पार्टी से अलग हुए और जो ये सारा प्रकरण हुआ। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा था कि भंवर सिंह पलाड़ा की वापसी हो सकती है, बीजेपी में आ सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्या ये जो उनका जिस तरीके से उन्होंने ये कदम उठाया है, और अगर वो नई पार्टी बनाते हैं, इससे उन्हें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सोचने वाली बात हो सकती है। और अजमेर रीजन के अंदर जिस तरीके से अभी 31 तारीख को पीएम मोदी आने वाले हैं, उनकी एक बहुत बड़ी जनसभा है, और आप जानते हैं काफ़ी दिनों से बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता वहाँ पर जनसंवाद कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, पार्टी पदाधिकारियों से बैठक ले रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ लगातार कई दिनों से वहीं पर हैं और जनसंवाद कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 31 तारीख की जो अजमेर की जो रैली है, जो जनसभा है, उस जनसभा के अंदर कितने ज़्यादा लोग आते हैं ये भी एक चर्चा का विषय होगा। क्योंकि अजमेर के अंदर आप मान सकते हैं उनको दोबारा जो जिला प्रमुख वो बनी है, और कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि भंवर सिंह पलाड़ा की राजनीति वहाँ पर है, तो क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा अगर वो नई पार्टी बनाते हैं, या फिर भाजपा उन्हें वापस शामिल करेगी अपनी पार्टी के अंदर, या फिर वो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे? बहुत सारी जो चीज़ें हैं अभी सामने आ रही हैं, और इस बारे में कोई भी पुख्ता खबर आती है अगर वो नई पार्टी का अनाउंसमेंट करते हैं
और क्या उनकी पार्टी का नाम होगा या किसी से अलायंस करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, लेकिन अगर वो नई पार्टी बनाते हैं तो फिर शायद बीजेपी सोच विचार कर सकती है या फिर उनसे पहले ही बात हो जाए, वापसी हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव में ज़्यादा समय बचा नहीं है। 5 से 6 महीने बाद लगभग चुनाव होने वाले हैं। दोनों पार्टियां अब चुनावी मोड में लगभग आ चुकी हैं। अभी फ़िलहाल कांग्रेस में भी आप जानते हैं लगभग 85 जो प्रदेश सचिव है उनकी घोषणा करी गई थी, और भाजपा नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जो उनके नए बन ही चुके हैं। तो दोनों पार्टियों की तरफ से अब धीरे धीरे चुनावी जो ऐलान हो रहे हैं, चुनावी नियुक्तियां जो हो रही हैं, वो धीरे धीरे अब चुनावी मोड में आ रहे हैं। और अगर भंवर सिंह पलाड़ा द्वारा ये कुछ अगर अनाउंसमेंट होती है नई पार्टी की, अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो ये भी दिलचस्प होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस बार का चुनाव है वो कहीं ना कहीं बहुत अलग तरीके से हो सकता है। फिलहाल जो गुटबाजी की खबरें हैं वो दोनों तरफ से आ रही हैं, कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, दोनों पार्टियों की जो सामने जो बातें आ रही हैं, कांग्रेस में थोड़ा खुलकर ये बातें सामने आ रही हैं। आप सभी जानते हैं जो उनके दो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चाहे वो पूर्व डिप्टी सीएम हो, दोनों के बीच किस तरीके की बयानबाजी चल रही है, और लगातार बीजेपी में भी गुटबाजी की खबरें आ रही हैं, लेकिन फिलहाल उस तरीके से उभर कर सामने नहीं आई है वो बातें। और वसुंधरा राजे के समर्थन में उनके समर्थक लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें फेस बनाया जाना चाहिए। बहुत सारी जो बातें हैं दोनों पार्टियों में, कुछ ना कुछ जो बातें आपस में हो रही है, चलो ये तो जो सारी बातें हैं वो चलती रहती हैं, और कहीं ना कहीं चुनाव में जो दोनों पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व है वो कोशिश करेंगे कि दोनों पार्टियों में सब ठीक हो जाए और चुनाव एक साथ मिलकर लड़ा जाए। बाद में अगर कोई सी भी पार्टी जीतती है उसके बाद में क्या फैसला होता है, दोनों पार्टियाँ यही चाहेंगी। अगर कोई जो और पार्टीज़ हैं उनके साथ जिस तरीके से अलायंस की कोई खबरें आती हैं, और भी पार्टी हैं जो राजस्थान में चुनाव लड़ेंगी जिसमें आप RLP का नाम भी है और आप पार्टी भी इसके अंदर चुनाव में बहुत सारी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन कितना संगठन उनका विस्तार हुआ है, किस स्तर का उनका संगठन है और कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे अभी तक कुछ इस बारे में कहा नहीं जा सका है, कुछ ऐसी बात सामने आई नहीं है। और अगर आप पार्टी किसी से अलायंस करती है, किससे अलायंस करती है वो भी देखना दिलचस्प होगा। तो बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं और चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, आप सभी जानते हैं कि पार्टी अपनी अपनी तरफ से तैयारियां कर रही हैं, और भंवर सिंह पलाड़ा की जो ये बात निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से नई पार्टी की उनकी बात सामने आई है कि नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, जो उनकी वाइफ है सुशीला कंवर वो मसूदा से विधायक रह चुकी हैं, और प्रभाव उनका बताया जाता है कि 3 से 4 विधानसभाओं में तो अच्छा खासा प्रभाव भंवर सिंह पलाड़ा का बताया जाता है, जो उनके अजमेर की आसपास की जो विधानसभाएं हैं, चाहे ब्यावर हो, मसूदा हो, पुष्कर हो, और अजमेर के जिस तरीके से अंदर शहर के अंदर बहुत सारी जो उनकी बताया जाता है कि अच्छी खासी पकड़ है, और अगर 50 सीटों पर वो उतारते हैं अपने उम्मीदवार और जो कोर वोट बैंक है वो उसको लगातार जो भंवर सिंह पलाड़ा है उसको अपनी तरफ जो करने की बातें करते हैं, आप चाहे जितने भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वो उसमें राजपूत समाज को लेकर बातें करते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपना इम्पैक्ट इस चीज़ को लेकर हमेशा रखते हैं कि अगर उनकी पार्टी जिस तरीके से बनेगी तो प्रमुख वरीयता जो समाज के लेकर जो बातें रखेंगे, 36 कोम को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो बात करते हैं कोर वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं उस पर भी सीधा सीधा प्रभाव डालने की कोशिश है। और भंवर सिंह पलाड़ा की पार्टी अगर नई बनती है, उसका ऐलान होता है, तो कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाला वक्त बताएगा। और जिस तरीके से जो भी नेता, आप सभी जानते हैं चुनाव है, कोई नेता किस पार्टी में जाएगा, नई पार्टियां भी सामने आएंगी, कुछ पार्टियां हैं जो दूसरी पार्टी के साथ अलायंस करेगी, कुछ का हो सकता है कि शायद विलय हो जाए, बहुत सारी जो बातें हैं। और इस बार का जो चुनाव है, 2023 का जो चुनाव है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ आपको दिखाई देगा, और जिस तरीके से अभी जो बयानबाजी चल रही है, चाहे वो किसी की तरफ से भी हो, दोनों पार्टियों के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि सारे जो नेता हैं पार्टी के वो मिलजुल कर चुनाव लड़ें। बीजेपी में जिस तरीके से जो कई फैसले हुए, गुलाबचंद कटारिया असम के राज्यपाल बनाए गए, उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर
राजेंद्र सिंह राठौड़ सामने आए और उनका ऐलान किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सतीश पूनिया को चुनाव से कुछ महीने पहले ही हटाया गया। वैसे उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन कुछ उनके समर्थक और समाज के लोग लगातार विरोध कर रहे थे कि चुनाव से पहले उनको क्यों हटाया गया है। इस पर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई। सीपी जोशी जो कि चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और काफ़ी वक्त से वो लगातार अब एक्टिव हैं और जगह जगह पर जनसभाएं भी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बैठक कर रहे हैं। तो बहुत सारी जो चेंजेस हुए हैं जो पार्टीज़ के अंदर और कांग्रेस के अंदर भी कुछ नए चेंजेस की खबरें आ रही हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कांग्रेस के अंदर कुछ बड़ी ऐसी खबरें हैं चुनाव को लेकर जो कहीं ना कहीं आप सभी को जाननी चाहिए। और ये आने वाले वक्त में आपके सामने बड़ी खबरें आ सकती हैं जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। बाकी की लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ के लिए लगातार हमारे चैनल जयपुर वॉइस के साथ जुड़े रहें। हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक खबरें पहुँचाएँ और चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।